इस वीडियो पे वेजनल एग्जामिनेशन देखेंगे। आपको 5 रिक्वायरमेंट्स है। सो लेबर रूम में आपको पोस्टिंग होगा, यूजुअली दे वो ना लव यू, बट जो भी पीवी करता है ना उसके साथ साथ आप भी ग्लव्स पहन के करना पड़ेगा। आपको मौका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? सो तुम्हारे लिए मौका इंतजार नहीं करेगा। यू हैव टू गो एंड आस्क फॉर द अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आपको पीवी करके देखना, ठीक है? सो यहाँ पर इस प्रकार की लिस्ट रहेगा। तो ये तो ईजी है ना, नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स, ठीक है? तो यूपॉम्स लिखो, और लेबर रूम है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये लेबर रूम 1, 2, 3 करके कहीं कहीं जगह में रहते हैं, यहाँ पर ये जरूरत नहीं है। नंबर है, आईपी नंबर है, ओके, 1, 2, 3, 4 समथिंग, जो भी नंबर्स मिल रहा है आपको। नेम ऑफ द पेशेंट, ओके, मिसेस सोनिया, राइट? उनका पति का नाम है मिस्टर स्वरूप, उसका उम्र है 38 ईयर्स मान के चलो, रिलीजन है हिंदू है, और डेट ऑफ एडमिशन है जिस दिन में आया थे, फॉर एग्जाम्पल आज का दिन आया है तो 19/08/2022 लिखेंगे, ओके? एड्रेस है उसको लिख लेना, मेनपुरी समथिंग। डायग्नोसिस है, एक्चुअली डायग्नोसिस नहीं लिखता है अनलेस एंड अंटिल उसको प्री एक्लाम्प्सिया केसेस जेस्टेशनल डायबिटीज इस प्रकार की है। आपको डैश भी लगा सकते हो उसमें, ठीक है? सपोज इन केसेस कोई डायग्नोसिस है प्री एक्लाम्प्सिया यानी तो ओलिगोइट्रोमनियास है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके? वहाँ पर लिखा रहेगा 38 प्लस 2 डेज ऑफ जेस्टेशन, ओके, POG लिखा रहता है, राइट? और विथ ओलिगोहाइड्रोमनियास इस प्रकार के लिखा रहेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन इट, आपको पेशेंट का क्या कौन सा डायग्नोसिस है वो लिखना है। पैरिटी है, एज यूजुअली एज आई टोल्ड यू, ग्रेविडा होती है, ये नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होती है, 2, 3 जो भी हो, तो यहाँ पर मैं प्राइमरी डाल रही हूँ, ठीक है? और पैरा है, पैरिटी मतलब डिलीवरी होती है 28 हफ्ते के ऊपर, तो ये यहाँ पर अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ है इसलिए उसको पैरा निल लिखा। अबॉर्शन भी 0 लिखा, लिविंग भी 0 है क्योंकि ये पहला बच्चा है। आज का डेट का दिन, यहाँ डेट ऑफ एडमिशन भी लिखा है, यहाँ पे डेट लिखा है। एक्चुअली ये डेट ऑफ एडमिशन का समय में हम लोग पीवी करते हैं, सपोज सेम दिन है तो आपको सेम लिख सकते हो। पीरियड ऑफ जेस्टेशन दैट इज कॉल्ड एज POG कहते हैं। 40 सप्ताह में होता है तो पेशेंट कितना वीक्स में आया, ये 38 वीक्स प्लस 2 डेज लिखा रहेगा, ठीक है? कोई तुम्हारे पेशेंट की जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, सपोज 39 वीक्स 40 वीक्स, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पेशेंट्स फाइल। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ओके। ये है वेजनल एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है। द बल्बा लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा तुम्हारे पेशेंट को वेरिकोस वेन थे वहां पर, नहीं तो बल्बा लेडिमा था। वॉट्स, वॉट्स का मतलब जैसे कॉलीफ्लावर होता ना, तो कॉलीफ्लावर कब ऐसे दिखाई देगा, तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? और वेजेना में वो ड्राई है, मॉइस्ट है, कोल्ड है, वार्म है, स्ट्रेचेबल है, टाइट है, तो उस प्रकार की एक तो लिख सकते हैं आप। और सर्विक्स में पोजिशन लिखना पड़ता है, एक्चुअली सर्विक्स में 2 चीज लिखना पड़ता है, सर्वाइकल डायलिटेशन भी लिखना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा नहीं है, यूजुअली इसका मतलब है, यहाँ पर मैं पोजिशन लिखा है बट यू हैव टू राइट डायलेटेशन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, डायलेशन, ओके, सर्वाइकल डायलेशन। सो पोजिशन का मतलब है वही पेशेंट जब सीधा लेटे रहेगी तो उसका जो यूट्रस है उसका सर्विक्स इस प्रकार के रहेगा, नीचे तरह से रहेगा, इसको पोस्टीरियर कहते हैं। सपोज बीच में आ गया, मिड लाइन है, नहीं तो ऊपर उस प्रकार की आ गया तो एंटीरियर। सो जब एंटीरियर आता है ना तो बच्चा डिलीवरी होने में ईजी पड़ेगा, दैट्स व्हाट द सर्वाइकल पोजिशन इज। सो यहाँ पर लिखा सेंटर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब ऊपर है, पोस्टीरियर मतलब पीछे है। और डायलेशन सर्वाइकल का है, 10 सेंटीमीटर तक होता है, आप पेशेंट को जितना आ रहा है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डिपेंड्स हो उस अनुसार में आपको लिखना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये है प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में कौन सा वाला फीटस की ये होता है, ओके? सो दैट इज अ प्रेजेंटिंग पार्ट। तो आपको वर्टेक्स नहीं लिखता है, सेफालिक लिखता है, ओके, सेफालिक। पोडालिक का मतलब बच्चे को पैर रहेगा, ब्रीच रहेगा तो सेक्रम रहेगा, शोल्डर रहेगा, कॉर्ड रहेगा, ये डिपेंड्स अपॉन योर पेशेंट। मोस्टली नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी में सेफालिक ही होता है, राइट? पोजिशन ऑफ द फीटस है एल्बो ही। ये पिक्चर है, बहुत छोटा है, जगह नहीं है इसलिए मैं इसमें इस प्रकार की रखा है, ठीक है? तो ये है एल्बो ही पोजिशन। देखो, ये भी पेशेंट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है। सपोज वो सीधा हमारे सामने खड़ी है तो बच्चे को जो ऑक्सीपिट कहाँ पर, इस साइड में है, ओके, दिस इज अ गोल। अब चार भाग में डिवाइड करो, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट? इस साइड में आसपास में उसको ऑक्सीपिट रहेगा, तो फेस कहाँ रहेगा बच्चे को, तो फेस यहाँ पर ये है, एंटीरियर फोंटेनल रहेंगे
और यहाँ पोस्टीरियर फ्रंटल, इस प्रकार के बच्चों का हेड रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एल्बोए पोजिशन। सपोज राइट में रहेगा, राइट ऑक्सीपिटो पोजिशन है, सपोज बच्चों को जो ऑक्सीपिट यहाँ पीछे चला जाएगा तो इसको पोस्टीरियर पोजिशन कहता है, वो लेफ्ट और राइट हो, ओके, दैट इज एल ओ पी आर ओ पी। ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मतलब बच्चे को जो ऑक्सीपिट कहाँ पर है, इधर रहता है, सीधा सीधा रहता है, ओके, तो उसके बारे में बता रहा, आर ओ टी एल ओ टी। और ऑक्सीपिटो एंटीरियर मतलब बच्चे को ऑक्सीपिट यहीं पर है, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। एलवो ये आर वो ये कॉमन होता है मोस्टली नॉर्मल वेजनल डिलीवरी में, बहुत कम एलवोपी आर ओ पी, मोस्टली एलवोपी आर ओ पी होता है ना, वो बच्चे रोटेट हो गया आने में प्रॉब्लम होता है, सीजन इंजेक्शन में जाता है, तो आपको नॉर्मली एलवो ये और आर वो ये होना चाहिए। अब इतना याद रखना, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर का स्पेलिंग पढ़ लेना, बिकॉज आधा बच्चे तो उसको लिखना भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, सो सपोज बेबी इधर है तो क्या होगा, बैग यहाँ रहेगा, ओके, एमनियोटिक बैग है, तो वो रप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा, देखो स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है ये, आर्टिफिशियल रप्चर मतलब है वो पीवी करते समय में यहाँ से उसको हार्ट डालेंगे, और मीन्स लाइक पीवी करते समय में एक कॉकर लाएंगे तो उसको झिल्ली फाड़ देगा, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहता है। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी होती है, अर्ली का मतलब पेन आया है, पेन आया है, आने के बाद फिर बंद हो गया पेन, बट उसके बाद से जो रप्चर हो गया उसको बोलते हैं अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है पेन आया नहीं, उसके पहले आ गया, प्री मेच्योर, ये प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, तो इसका मतलब है 37 वीक्स के पहले बच्चे को झिल्ली फट गया है। और ये है ये टर्म प्री मेच्योर, आई मीन इट इज इट्स ऑल्सो सेम थिंग ओनली, रब दिस वन, ओके, इट इज प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया। सो आप क्या लिखेंगे, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है तो वो लिखना पड़ेगा, और लाइकर भी इसके साथ साथ में लिखना पड़ेगा। लाइकर क्या है, क्लियर है नहीं है, एमनियोटिक फ्लूवर को लाइकर कहता है, वो क्लियर आपको साइड पे लिखना पड़ेगा। सपोज ये रप्चर हो गया, रप्चर नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, इंटैक्ट लिखेंगे, इंटैक्ट मतलब एंटायर मतलब अभी तक रप्चर नहीं हुआ, ठीक है। और सूचर के बारे में लिखना है, देखो बच्चे इस प्रकार की लेटा है तो सजेटल सूचर तो पता है, इस प्रकार की सीधा सीधा जो एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल को कनेक्ट करता है, तो वो पोजिशन यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सा पोजिशन में है, तो पीवी करते समय में राइट ऑब्लिक लेफ्ट ऑब्लिक एंटीरियर पोस्टीरियर पोजिशन और ट्रांसवर्स, वो है सूचर, सूचर के बारे में। और फोंटेनल्स के बारे में, आपको फोंटेनल एंटीरियर फोंटेनल कहाँ पर है, देखो ये आगे है, सो राइट एंटीरियर में, लेफ्ट एंटीरियर में, राइट पोस्टीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर, वो लिखना पड़ेगा। सपोज ये इस पोजिशन में बता रही हूँ तो एंटीरियर ये कहाँ पर है, ये राइट पेशेंट का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो पेशेंट का जो राइट साइड में है इसलिए उसको राइट एंटीरियर आपको टिक करना पड़ेगा और लिखना है। स्टेशन ऑफ द हेड का मतलब है यही, ये वाला पिक्चर है, आप देख लो यहाँ पर ये पिक्चर में क्या दिख रहा है, सपोज ये है माँ का सिंफाइसिस प्यूबिस, ये है ना, तो बेबी का हेड यहाँ पर आ रहा है, देखो इसकियल स्पाइंस के बीच में यहाँ पर एक लाइन इमेजिनरी लाइन देगा, ये बच्चे जब नीचे नीचे आता है ना तो यहाँ 0 स्टेशन देते हैं, यहाँ -1 -2 -3 -5 तक, यहाँ तक -5 देते हैं, और सेम थिंग यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, सो कौन सा स्टेशन है फाइल में लिखा रहेगा, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। और पेल्विक असेसमेंट है, ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री है, ये क्या होता है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री जो फर्स्ट बोन होता है सेक्रम की, तो उसी को बोलते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री है, तो ये यूजुअली नॉट टिप्ड होगा, जितना भी करेंगे ना, दो उंगलियां डालेंगे तो यहाँ पर टच भी नहीं कर पाएंगे, ओके, दैट्स व्हाट इट मीन्स इट, ओके। नेक्स्ट इज सेक्रो सायाटिक नॉच है, देखो यहाँ पर एक नॉच, नॉच मतलब एक स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ पर दो उंगलियां ये एडमिट होगा, इसका मतलब वो नैरो पेल्विस नहीं है, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है, एडमिट टू फिंगर्स ओवर देयर। साइड वॉल्स, ये देखो ये साइड वॉल है ना, ये आपको नैरो मिल रहा है, पैरेलल पैरेलल मतलब एकदम सीधा सीधा है ना, और कन्वर्जेंट का मतलब है ऊपर बस बहुत वाइड है और नीचे पूरा यहाँ पर इस प्रकार की होगा, राइट, और डाइवर्जेंट का मतलब उल्टा होगा, सो यहाँ से स्टार्टिंग में नैरो हो गया और नीचे से पूरा फैला हुआ होगा, ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा। तो पैरेलल लिखेंगे तो उसका मतलब वो उसका कैविटी का पैरेलल ही होना चाहिए, इक्वल डायमीटर होना चाहिए, वो पैरेलल ही आपको लिख सकता है। देन इसकियल स्पाइंस के बारे में बोल रहा है, इसकियल स्पाइंस देखो यहाँ पर है ना पोस्टीरियर साइड में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी करके टच करके देखेंगे, ये ब्लंट होना चाहिए, ओके, इट्स नॉन प्रोमिनेंट होना चाहिए, नॉन प्रोमिनेंट का मतलब है वो शार्प रहेगा ना, क्या होगा तो बच्चों का हेड वहां जाके अटक जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये नॉन प्रोमिनेंट है, मीन ब्लंट होता है यूजुअली, सो यू कैन राइट ब्लंट ऑल्सो इन दिस प्लेस, नॉन प्रोमिनेंट भी लिख सकता है, ओके। बाइस्पाइनस डायमीटर है, ये देखो ये है बाइस्पाइनस डायमीटर, इसी को बोलता है स्पाइनस, स्केल स्पाइंस की,
तो ये 10.5 नॉर्मल होता है, उसके नीचे होगा तो सीपीडी मांगता है। सीपीडी मतलब सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोजिशन, मतलब बच्चे को हेड बड़ा है और माँ का पेल्विस छोटा है, तो उसी को मांगता है। ठीक है, वो नैरो, ये सॉरी वो है, आपको उस प्रकार के एडिक्वेट और नैरो लिखना पड़ेगा, बस इतना ही है। हम लोग 10.5 वगैरह नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना, स्केल से नहीं कर रहे, अप्रोक्सीमेटली उसको करता है। ओके, सब प्यूबिक आर्च है, ये देखो ये आर्च है, सब प्यूबिक आर्च है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एडमिट्स द पामर एस्पेक्ट ऑफ टू फिंगर्स, मीन्स आपको यहाँ पर दो उंगलियां रखेगा, तो ये दो उंगलियां, एक्चुअली दो उंगलियां नहीं है, तीन उंगलियां आना चाहिए, तीन उंगलियां होगा तो इसका मतलब ब्रॉड है, तो बच्चे बाहर आने में ईजी पड़ता है। ठीक है, इट शुड एडमिट, इट शुड नॉट बी लेस देन दैट। ओके, और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट है, देखो हाथ को इस प्रकार के मोड़ के रखना है, आई मीन आई वॉज अनेबल टू प्लेस इट, मैंने आप लोग को दिखाने के लिए रखी हूँ, तो ये यहाँ पर ये चार उंगलियां यहाँ पर ऐसे मोड़ कर यहाँ पर रखेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट। ये एडमिट्स फोर नकल्स, इसी को बोलते हैं नकल्स, राइट, इस प्रकार मोड़ के दिखाते हैं, उसको नकल्स कहते हैं। दिस इज फिनिश्ड, पेल्विक असेसमेंट हो गया, राइट। सो इसके रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।